तो वहीं आगरा जेल से लगातार कैदियों की खुदकुशी की खबरें सामने आ रही हैं। देर शाम एक और कैदी ने जेल के अंदर पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही नकली नोट बनाने वाले गैंग के सरगना ने जेल में आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले भी कई कैदियों ने आगरा जेल में खुदकुशी की है। वहीं पुलिस का कहना है कि इन बढ़ती आत्महत्या की वारदातों की जाँच की जा रही है। नाम है ऋषि कुमार झा। क्या घटना हुई है, क्या हुआ? घटना हुआ, बताया जा रहा है कि ये 8 बजे करीब खत्म हुआ है और हमें सूचित किया जा रहा है 1 बजे। अच्छा। 1 बजे के बाद में और बताया जा रहा है कि फांसी लगाई है पेड़ से लटक के, और पेड़ से लटक के उसने फांसी लगाई तो 8:30 बजे का इसमें दिखाया जा रहा है। फिर इन्होंने हमें 1 बजे क्यों सूचित कर रहे हैं? जेल की सुरक्षा और कैदियों की व्यवस्था को लेकर लगातार अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया जाता है, देखा जाता है और जो भी मानक है उनके अनुसार व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाती हैं। अब जो ये घटना घटित हुई है, घटना के संबंध में भी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और सभी जांच पड़ताल होगी कि घटना किस कारण से हुई और कैसे घटित हुई और इसमें कौन दोषी है।